दोस्तों मैं आ चुकी हूँ तुम लोगों के साथ वेडिंग डे प्लान आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, और इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं छोटा छोटा टिप्स देने वाली हूँ कैसे अपनी वेडिंग डे में मेहंदी कर सकते हो, मेकअप वगैरह खरीदना चाहिए, ग्लिटर टाइप ऑफ आई शेडो रखना चाहिए और कैसे ब्राइट कलर को रखना चाहिए, क्योंकि हर वक्त तो तुम्हें कोई सजाने नहीं आएगा, तुम खुद भी सजोगे, तो इसलिए कैसी मेहंदी अपने पैरों पर लगाना चाहिए, तो कौन कौन सा चीज़ तुम्हारे पास होना चाहिए, ये सब जानने के लिए आज वीडियो एंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि वेडिंग प्लान इसलिए करना चाहिए ताकि तुम्हारा वेडिंग तुम्हारे लिए स्पेशल बन सके। तो चलो देखते हैं। दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। तो वेडिंग डे अगर मार्केटिंग करना चाहिए तो ऐसा कुछ स्लिंग बैग्स रख सकते हो, नायका से बहुत सारा मेकअप का प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो और ज़रूर खरीदना क्योंकि ये तो तुम्हारा स्पेशल एक ओकेशन है, इसके लिए बहुत सारा शॉपिंग करना ही चाहिए। तुम लोग शॉपर्स स्टॉप पैंटालूंस ऐसे बहुत सारे शॉपिंग मॉल में भी जा सकते हो, बहुत सारा मार्केटिंग मतलब जैसे ड्रेस वगैरह खरीद सकते हो, जैसे तत्व के लिए बेंगोलीज खरीदते हैं तो अपने लिए भी कुछ बहुत सारा तुम लोग ड्रेस मटेरियल मिल जाएगा तुम्हें वहाँ, और बहुत सारा पर्स वगैरह भी खरीद सकते हो। हैंडबैग तो हर ड्रेस के साथ मैचिंग रखना चाहिए, तो इसलिए वेडिंग डे के लिए बहुत सारा मैंने यहाँ कलेक्शन दिखाया है। और तुम लोग अगर चूड़ा या कोई चूड़ी वगैरह बैंगल्स वगैरह पहनना चाहते हो, इसके लिए भी बहुत सारा ऑप्शन है। न्यू मार्केट जा सकते हो, गड़ियाहाट मार्केट जा सकते हो कोलकाता में, तो तुम्हें बहुत सारा बैंगल्स का आइडियाज़ मिल जाएगा, उनको सजा कर तुम लोग बहुत अच्छी एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो मिलाकर, और उसके साथ तुम अपने वेडिंग डे को बहुत अच्छे से अपने ड्रेस के साथ ऐसे चूड़े वगैरह खरीद कर उसे सजा सकते हो। दोस्तों वेडिंग का प्लानिंग कर लेना चाहिए क्योंकि फ्यू मिनट्स में बहुत सारा कुछ निकल जाता है दिमाग से, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी प्लान करना चाहिए। और लहंगा तो अब मस्ट है वेडिंग के लिए, क्योंकि अगर मेहंदी में पहन सकते हो या आशीर्वाद में पहन सकते हो, या तुम लोग जब तुम्हारे रिसेप्शन है उसमें भी तुम लहंगे को पहन सकते हो, और 1000 से लेकर तो 1 लाख तक बहुत सारा लहंगे तुम्हें मिल ही जाएगा। बहुत सारा स्टोर है, न्यू मार्केट में है, गोरियाहाट में है और भी बहुत जगह में है, ऑनलाइन भी मिलता है। और ऐसे कुछ तुम लोग अगर गोल्ड पहनना नहीं चाहते हो, जितना प्राइस हो चुका है गोल्ड का, तुम लोग अलग कुछ ट्राई कर सकते हो, ऐसे कुंदन का या कुछ जंक ज्वेलरी भी ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत फैशन इन है और ये भी तुम्हें बहुत अच्छे प्राइस में, कम प्राइस में तुम्हें अवेलेबल मिल जाएगा मार्केट पर। तो वेडिंग डे के लिए मैं कहूँगी हर वक्त कुछ ग्लिटर टाइप ऑफ शूज़ या कुछ कुंदन या स्टोन वगैरह लगा हुआ हो, ऐसा कुछ ही हील्स तुम्हें पहनना चाहिए या ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वेडिंग डे के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइट कलरफुल शूज़ ही अच्छा लगता है, फुटवेयर अच्छा लगता है। मैं कहूँगी अपने जैसे फुटवेयर को सजा रहे हो ऐसे क्लचर के कलेक्शन भी रख सकते हो, ये वेडिंग डे के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर क्लचर नहीं पसंद है तो ऐसे कुछ थोड़ा डिज़ाइनर जो पोटली मिलता है उसे भी रख सकते हो, या ड्रेस के साथ मैचिंग करके भी बना सकते हो। बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में, ट्राई तो करके देखो, तुम्हारा वेडिंग बहुत स्पेशल हो जाएगा।
दोस्तों, इस छोटे वीडियो में मैंने थोड़ा सा ही शेयर किया है पिक्चर, तो तुम लोगों को अगर पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं फिर चली आऊँगी नए कोई वीडियो के साथ। तुम लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करना मुझे पसंद है, सिर्फ मेकअप या DIY स्किन केयर ही मैं शेयर नहीं करती, मैं बहुत कुछ अलग सा भी शेयर करती रहती हूँ। इसलिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहो, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और इसके लिए थैंक यू सो मच। चलो अब चलती हूँ, बाय बाय।